हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन टू ऑफ आवर डिस्कशन ऑन नवीन फ्लोरिंग। पार्ट वन वाले सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मैं एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद हम लोग सेशन टू यानी पार्ट टू का अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स के बारे में समझा, इसके नंबर्स को चेक किया, अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से कंपनी में ग्रोथ आ रहा है या ओवर द ईयर्स किस तरह से ग्रोथ आया है, मार्जिन प्रोफाइल क्या है, वैल्यूएशंस को चेक किया। तो वैल्यूएशन को देख के तो हमें ये समझ में आया कि ये अभी फिलहाल काफी ओवर वैल्यूड दिख रहा है ये कंपनी। फिर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए और इनके बाकी रेशियोज को देखा, तो वहां पर कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर नहीं आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखे कि हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं, वेरस इंडियन जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। उसके बाद हमने इसके बिजनेस के बारे में समझा, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, डिटेल में देखे कि प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, आगे कितना इसका ग्रोथ पोटेंशियल है प्रोडक्ट्स का, ये सब कुछ हम लोगों ने पार्ट वन में कवर किया। पार्ट टू में हम कवर करने जा रहे हैं इनका केपेक्स प्लान, आगे का ग्रोथ प्लान इनका क्या है, क्या नए प्रोडक्ट्स या मॉलिक्यूल्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इसका क्या प्रॉपर वैल्यूएशन पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके केपेक्स प्लान को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला इनका जो केपेक्स प्लान है वो आ रहा है एक हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है, दिस इज द न्यू मॉलिक्यूल विच दे आर गोइंग टू डेवलप। तो वो लोग इंटर किए हैं 41 करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट में विद हनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। यानी हनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 41 करोड़ डॉलर का। इसमें ये लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बना के इन लोगों को सप्लाई करेंगे, ये हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट माना जाता है और इसमें डेफिनेटली मार्जिन काफी बेटर होंगे, और ये जो प्रोडक्ट होगा फ्लोरीन केमिकल फ्लोरोकेमिकल स्पेस का प्रोडक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू होली ओन्ड सब्सिडरी नवीन फ्लोरीन एडवांस साइंस लिमिटेड एट दहेज। तो दहेज में इनका एक सब्सिडरी है नवीन फ्लोरीन एडवांस साइंस लिमिटेड, उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट को ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें 365 करोड़ का करीब करीब इन्वेस्टमेंट आएगा, जो आप देख सकते हैं 365 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा फॉर कंप्लीटली डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके लिए जो प्लांट बनेगा ना वो कंप्लीटली इसी प्रोडक्ट को डेडिकेटेड होगा, यानी इस प्लांट में सिर्फ यही वाले प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो कि हनीवेल इंटरनेशनल को सप्लाई किए जाएंगे। एंड $10 मिलियन यानी 71 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर कैप्टिव पावर प्लांट के लिए। तो कैप्टिव पावर प्लांट ये लोग लगाएंगे वहां पर, 71 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। द प्रोडक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नवीन फ्लोरिंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी जो ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का ये पार्ट नहीं है, ये कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट है, और ये नया प्रोडक्ट से इनको क्या एडवांटेज मिलेगा, इज अ न्यू सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ से एक कंप्लीट नया सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराइज होगा फॉर एप्लीकेशन ऑफ नवीन ऑफ द फ्लोरिन फॉर कंप्लीटली न्यू वर्टिकल। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रोडक्ट के जरिए क्या होगा, एक नया सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आएगा ही, बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल एक कंप्लीटली न्यू वर्टिकल में होगा। तो ऐसे इंडस्ट्री ऐसे वर्टिकल में फ्लोरीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा जहां पर आज तक शायद फ्लोरीन के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता रहा है। तो वहां पर एक कंप्लीटली न्यू बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा फॉर ऑल द फ्लोरिन प्लेयर्स। ये एक वर्टिकल ऐसा नया निकल के आ रहा है जहां फ्लोरिन का इस्तेमाल हो सकता है। दे विल मैन्युफैक्चर बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर इंटरमीडिएट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पस मैन्युफैक्चरिंग। तो और जो इंटरमीडिएट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होगा, यानी इंटरमीडिएट से बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बोल रहे यही इंटरमीडिएट इस फाइनल प्रोडक्ट में भी काम आ सकता है, और मान लो कोई दूसरा फाइनल प्रोडक्ट ये लोग बनाना चाहते हैं उसमें भी काम आ सकता है। तो मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये इंटरमीडिएट काम आ जाएगा, और करेंटली इनको जो प्रोडक्ट मिला है, करेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मिला है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है आगे में और भी प्रोडक्ट्स इनको मिलने लगे। फिर मल्टीपर्पस प्लांट ये लोग लेके आ रहे हैं, उसमें 195 करोड़ का केपेक्स लगेगा एंड एक्सपेक्टेड है कि 260 से 280 करोड़ तक का रेवेन्यू
मैक्सिमम ये लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एसेट टर्न कितना आ रहा है, 1.35 से 1.4 टाइम्स का एसेट टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, और ये पूरा फ्लोरोकेमिकल स्पेस में एक नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये लोग लेके आ रहे हैं। पर इसके लिए इन लोग क्या बना रहे हैं, ये लोग मल्टीपर्पस प्लांट बना रहे हैं, यानी इस प्लांट में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन थ्रू नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस लिमिटेड। द इन्वेस्टमेंट विल ले फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इनका, ये इनके लिए एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाएगा इन स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। इट विल हेल्प इनहेंस आवर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड स्ट्रेंथन आवर कस्टमर रिलेशनशिप। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग तो बढ़ाएगा ही, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और भी बेटर प्रोवाइड करेगा। मार्जिन एंड रिटर्न रेशियो एट कंपनी लेवल, जो कंपनी का अभी मार्जिन और रिटर्न है वैसा ही कुछ मार्जिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी जो आएगा ये फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में आएगा, तो मोस्ट प्रोबली ये अभी तक कैपेसिटी चालू हो चुका होगा। फिर इन्होंने एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट किया है फॉर एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स के लिए। सो नवीन फ्लोरिन हैज साइन 800 करोड़ मल्टी ईयर एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ की एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट। यानी ऐसा फ्लोरो इंटरमीडिएट बनाएंगे जो एग्रोकेमिकल में इस्तेमाल होता है, इसके लिए मल्टी ईयर एग्रीमेंट इन्होंने किया है। तो 800 करोड़ का एग्रीमेंट है, 5 साल का टर्म्स है, 125 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और ये कब से चालू होगा, एंड ऑफ FY23 से ये चालू हो जाएगा। इससे इनको फायदा क्या मिलेगा, एडवांटेज क्या मिलेगा, इट विल स्ट्रेंथन द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फ्यूचर। कि नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी तो कस्टमर को सप्लाई कर ही रहे हैं, फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स जब लॉन्च होंगे तो और भी कस्टमर्स को ये सप्लाई कर पाएंगे। एक न्यू केपेक्स आ रहा है न्यू फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स पे। तो फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स ये लोग कुछ नया डेवलप करने वाले हैं, तो उसके लिए एक न्यू कैपेसिटी एडिशन ये लोग कर रहे हैं, जहां पर ये लोग मल्टीपल सेगमेंट्स को केटर करता है। मल्टीपल सेगमेंट्स मतलब ये लोग HPP वाले सेगमेंट को भी केटर कर पाए, फिर ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स को भी केटर कर पाए, और CDMO को भी केटर कर पाए। तो ये मल्टी पल सेगमेंट्स को केटर करने के लिए एक नया फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स ये लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें 540 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैपेक्स जो होगा वो फंड कैसे होगा, इंटरनल अक्रूवल और डेट को मिला के होगा। इसमें 600 करोड़ रुपया का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग एंड कैपेसिटी टू कम बाय द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी December 2023 तक ये कैपेसिटी आ जाएगा। तो ये पूरा एक चार्ट मैंने बना दिया है कैपेक्स का, इनका जो प्लान है वो आप देख सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का जो इनका आ रहा है उसमें 2800 करोड़ का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। रॉयल्टी फ्री एक्सेस मिलेगा इनको टेक्नोलॉजी का, जो अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर का, और ये फंड कहाँ से होगा, इंटरनल अप्रूवल और डेट। कब से चालू हो जाएगा, Q1 FY23, यानी ये चालू हो चुका है। इसमें 436 करोड़ का कैपेक्स लगेगा और 400 करोड़ का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर एनम आएगा। मल्टीपर्पस प्लांट जो इनका है वो फ्लोरोकेमिकल स्पेस में आएगा, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा टोटल, ये भी इंटरनल अक्रूवल और डेट से फंडेड होगा फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में, यानी ये भी चालू हो चुका होगा। 195 करोड़ का कैपेक्स है और 260 से 280 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। फिर एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट जो दहेज में लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 800 करोड़ का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये March 23 से चालू हो जाएगा। 125 करोड़ का कैपेक्स है, 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा। फिर न्यू फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स जो ये लोग लेके आ रहे हैं, उसमें 50% जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 50% इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर खरीद लेगा इनसे, और रेस्ट 50% ये लोग मार्केट में आराम से बेच सकते हैं। ये भी फंडेड इंटरनल अप्रूवल और डेट से होगा। December 23 में ये चालू हो जाएगा। 540 करोड़ का कैपेक्स है और 600 करोड़ रुपया के आसपास का यहाँ से रेवेन्यू आएगा। तो बाय द एंड ऑफ December 23 करीब करीब क्या समझ में आ रहा है कि इनका 1296 करोड़ का कैपेक्स कंप्लीट हो चुका होगा, जिसमें डेट 700 करोड़ ये लेंगे और करीब करीब 600 करोड़ रुपए इंटरनल अक्रूवल से ये लोग मैनेज करेंगे, और 1420 से 1450 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट होगा, जहां 25% का मार्जिन होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इससे क्या एडवांटेज मिलेगा। ये एलारा कैपिटल का रिपोर्ट है जहां से मैंने लिया है, और उनका एस्टिमेशन कितना हाई है ये देख सकते हैं कि जो स्पेशलिटी केमिकल का रेवेन्यू है, अकॉर्डिंग टू देम ये 30% के कैगर से ग्रो करेगा फ्रॉम FY22 से FY25 तक। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, जहां पर एक अच्छा रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर पाएंगे।
तो 30% के कैगर से रेवेन्यू जनरेट कर पाना इज अ वेरी गुड टास्क, मतलब इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट इनफैक्ट। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं, वी एक्सपेक्ट्स स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू कैगर ऑफ 30% फ्रॉम FY22 to 25 एज कंपनी सेटिंग अप अ न्यू मल्टीपर्पस प्लांट एट दहेज इन गुजरात इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY23, जिसमें बोल रहे हैं 1900 करोड़ रुपया के आसपास का केपेक्स लगेगा, 1.4x का ऐसा टर्नओवर आएगा वाया लॉन्च ऑफ 5 एग्रोकेमिकल स्पेशलिटी केमिकल। तो 5 एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं नियर टर्म में। 5 नए प्रोडक्ट का लॉन्च होना इज अ बिग डील, विच विल बी यूज इन हर्बिसाइड्स। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में यूज होंगे, एंड नो डोमेस्टिक कंपनी करेंटली मैन्युफैक्चर्स देम। और इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो ये प्रोडक्ट को फिलहाल मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा इनको सीडीएमओ स्पेस में, वहां पर भी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30% के कैगर से ग्रोथ आएगा। द सीडीएमओ सेगमेंट ऑफर्स कस्टम फ्लोरिनेशन कंपाउंड सिंथेसिस फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सीडीएमओ स्पेस में लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के देते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हो या एग्रोकेमिकल के लिए। द कंपनी हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोर्टफोलियो ऑफ 27,000 कंपाउंड्स। इनके पास ऑलरेडी 27,000 कंपाउंड्स का पोर्टफोलियो है, विच इज अ बिग नंबर, एंड 3,000 पेटेंटेड कंपाउंड्स हैं इनके पास, डेवलप्ड थ्रू इट्स 100% सब्सिडरी मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो इनकी जो सब्सिडरी मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, उनके थ्रू इनके पास ऑलरेडी 27,000 कंपाउंड और 3,000 पेटेंटेड कंपाउंड का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, और इसको आगे चल के ये लोग और एक्सपैंड करेंगे, जहां से इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ 4-5 प्रोडक्ट ये लोग एचपीपी कैटेगरी में लाने जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू है वो भी 29% के कैगर से ग्रो करेगा। वहां पर इन लोगों ने $410 मिलियन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद हनीवेल एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.4 बिलियन केपेक्स कमीशन इन Q1 FY23। द प्रोडक्ट हैज लो ग्लोबल वार्मिंग एंड नो ओजोन डिप्लीशन। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो प्रोडक्ट इन लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उससे ओजोन का डिप्लीशन नहीं होगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग को काफी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ऐसा बढ़ाएगा नहीं, बोलने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग इससे क्रिएट नहीं होगा और ओजोन लेयर भी डिप्लीट नहीं होगा। तो क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसका डिमांड आगे चल के बढ़ेगा। Q1 FY23 का रिजल्ट वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार इन शॉर्ट देख ले कि 386 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, तो 23% का ग्रोथ आया यहाँ पर। ऑपरेटिंग इबिटा 100 करोड़ का आया है, वहां 28% के आसपास का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88 करोड़ का है, तो 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मार्जिन का बात करें तो 98 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आया है, 25.8% का मार्जिन है ऑपरेटिंग इबिटा मार्जिन, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन 153 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, तो 22 या 23% के आसपास मार्जिन फिलहाल है। कंट्रीब्यूशन देखें तो 39% ऑफ द रेवेन्यू आता है एचपीपी सेगमेंट से, सीडीएमओ से आता है 15% और स्पेशलिटी से आता है 46%। ग्रोथ जो आ रहा है वो मेनली स्पेशलिटी और एचपीपी से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं स्पेशलिटी में 33% के आसपास का ग्रोथ है, एचपीपी में भी 33% के आसपास का ग्रोथ है, खाली सीडीएमओ में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है 12% के आसपास। उसके पीछे कारण ये है कि सीडीएमओ में ये लोग जो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो दवाई बनाते हैं, उसका इस्तेमाल जो होता है वो एआरवी सेगमेंट में होता है। पिछले 1-2 क्वार्टर से क्या हो रखा है कि एआरवी सेगमेंट का प्रोडक्ट का डिमांड काफी गिरा है, क्योंकि कोविड के समय जो स्टॉकिस्ट लोग हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने बहुत एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन कर लिया, तो जिसके वजह से वो इन्वेंट्री खाली अभी तक नहीं हुआ है, जिसके वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर में एआरवी सेगमेंट के दवाई का डिमांड बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। तो दैट इज वाई देयर इज अ फॉल, जो आने वाले समय में जैसे जैसे इन्वेंट्री क्लियर होगा ठीक हो जाएगा। परफॉर्मेंस अगर देखें, स्पेशलिटी केमिकल का परफॉर्मेंस अपडेट देखें, तो यहाँ पर 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 52% बिजनेस इंडियन मार्केट से आता है, 48% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता है। दे हैव अचीव द हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो आया है या इंप्रूवमेंट आया है इस विजिबिलिटी ड्रिवन बाय रिपीट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। तो ये इंप्रूवमेंट क्यों आया है, क्योंकि कस्टमर से इनको रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली इन एग्रोकेमिकल्स, ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ 3P,
यानी ये लोग तीन प्रिंसिपल, थ्री पी के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफी अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ना। व्हाट आर द थ्री पीस? प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म एंड पार्टनरशिप। प्रोडक्ट मतलब हम लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के भी बेचेंगे। प्लेटफॉर्म मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम सीडीएमओ का भी काम करते हैं, तो हम लोग आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए। एंड पार्टनरशिप यानी अगर ज्वाइंट वेंचर में मिलके आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं हमारे साथ, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये इनका थ्री प्रिंसिपल्स है जिसपे ये लोग काम करना चाह रहे हैं, जिसपे ये लोग काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एचपीपी का बात करें तो यहाँ भी 33% का ग्रोथ आया है। यहाँ 22% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है और करीब करीब 78% इंडियन मार्केट से। हायर सेल्स जो आया है, इट इज ड्रिवन बाई हायर वॉल्यूम्स, की बिक्री ज्यादा हो रहा है। एंड ऑल्सो प्राइसिंग पावर इनको बेटर मिल रहा है। नाउ प्राइसिंग पावर बेटर मिलने का क्या रीजन है? क्योंकि इसी कैटेगरी में इनका क्या है, एक प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, धीरे धीरे दुनिया में, पूरे दुनिया में रेफ्रिजरेंट का प्रोडक्शन कट होते जा रहा है। तो ये लोग R22 नाम का रेफ्रिजरेंट जो बनाते हैं, उसका डिमांड तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का डिमांड बढ़ रहा है, एसी का डिमांड बढ़ रहा है, तो हर जगह रेफ्रिजरेंट का डिमांड बढ़ रहा है। पर अकॉर्डिंगली उतना सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लोग रेफ्रिजरेंट का कैपेसिटी पूरे दुनिया में ऐड नहीं कर रहे, तो वहां पर एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो रहा है। ये गैप क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग प्राइसिंग पावर। तो इनको प्राइसिंग पावर मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्लांट सेटअप फॉर हनीवेल टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर हम लोग ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर क्रॉस कर चुके हैं, तो सेकेंड क्वार्टर से इसका रेवेन्यू आना दिखना चालू हो जाएगा। और डी बॉटलनेकिंग करके जो 80 करोड़ का इन लोगों ने कैपेक्स किया है, इनके बोर्ड ने वो अप्रूव कर दिया है, और यहाँ पर ये लोग एक नया मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे सूरत। सीडीएमओ स्पेस का बात करें तो यहाँ 12% का गिरावट आया है। पूरा बिजनेस यहाँ इंटरनेशनल है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो ये CGMP 3 प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो ऑलरेडी ऑन ट्रैक है, और Q3 में कमीशन भी हो जाएगा। दे आर फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन इन फर्दर डाइवर्सिफाइंग कस्टमर बेस। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने प्रोजेक्ट पाइपलाइन को बढ़ाएंगे। यानी अभी बहुत ज्यादा इनका डिपेंडेंस ARV सेगमेंट पे, तो उसका डिमांड गिरते ही इनको दिक्कत हो गई। तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ARV पे डिपेंडेंस कम करके उसके जगह Plan B पे काम करें, कि कुछ नया प्रोडक्ट, ऐसा ऐसे नए क्लाइंट जोड़े, ऐसे नए कस्टमर जोड़े CDMO स्पेस में, जहां पर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जो जिसका डिमांड अभी बहुत अच्छा है, तो उस स्टाइल से लोग काम करें। तो ARV में अपना डिपेंडेंसी ये लोग थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन Plan B। क्लाइंट का ऑडिट ऑलरेडी बोल रहे चल रहा है एट द प्लांट्स एंड आर गोइंग वेल, गिव अस अ कॉन्फिडेंस ऑन ग्रोथ। ये बोल रहे हैं कि अभी डी ग्रोथ हुआ है, बट क्लाइंट्स का ऑडिट चल रहा है, नए नए क्लाइंट्स आके इनके प्लांट्स को ऑडिट कर रहे हैं। क्योंकि सीडीएमओ में जैसा मैंने बताया था, क्लाइंट्स पहले आके आपके प्लांट को देखते हैं, आपका क्षमता देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप हमारा ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे और ढंग से कर पाएंगे, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है बनाने का, तो वो सब ऑडिट करने के बाद ऑर्डर देते हैं। तो क्लाइंट्स ऑडिट चल रहा है एंड दे आर हैप्पी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द कंपनी हैज, तो आगे इनको काफी कॉन्फिडेंस है कि इसमें भी ग्रोथ आ जाएगा। इनका डिलीवरी कैसा है, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं कि 27% से 40% हो गया रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल्स में। एचपीपी 73% से घट के 39% हो गया, और सीडीएमओ 20% से बढ़ के 21% हो गया। तो 61% ऑफ द रेवेन्यू जो अभी इनका आ रहा है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आ रहा है। पहले इनका स्पेशलिटी केमिकल्स था, क्रैम्स था, और ये रेफ्रिजरेंट और ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ये एक कर दिया। पहले ये अलग अलग था, इसको अभी ये दोनों मिला के एक सेगमेंट कर दिया गया। ठीक है, ग्रोथ ट्रिगर्स को देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरीन केमिस्ट्री हैज आल्सो इंक्रीज्ड विद अप टू 6 फ्लोरीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्रोथ आया है उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, यानी एक मॉलिक्यूल में अब 6 फ्लोरीन एटम तक का मॉलिक्यूल हम लोग बनाना चालू कर दिए, और ओनली हैंडफुल ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स हैव द टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन डूइंग सो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लू वाटर, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में सब जानते हैं, तो वाटर का मतलब H2O। तो H2O मतलब क्या होता है कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम होंगे और एक मान लो ऑक्सीजन एटम होगा, और ये तीनों मिला के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, तो वाटर इज अ कंपाउंड। तो यहां पर तीन एटम्स को मिला के एक कंपाउंड बना, वैसे ही बोल रहे हैं पहले हम लोग जब फ्लोरीन का कोई कंपाउंड बनाते थे तो उसमें 3 या 4 एटम्स हुआ करते थे, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी इतना बढ़ गया है कि 6-6 एटम्स का
एक मॉलिक्यूल हम लोग बनाना चालू करते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए। तो ओनली हैंडफुल ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि छह छह एटम्स का मॉलिक्यूल ये लोग बना सके। ये क्लियर हो गया। फिर सेकंड ग्रोथ ट्रिगर क्या है, द कंपनी इज लुकिंग टू रेज डेट, कि कंपनी डेट को रेज करना चाह रही है और अपने फंड को केपेक्स करना चाह रही है, और ये फर्स्ट टाइम है दैट नवीन विल बी डूइंग इन द लास्ट 5 इयर्स। तो पिछले 5 साल में पहली बार नवीन डेट लेके अपना केपेक्स प्लान कर रही है, तो जरूर ऐसा कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनके आंख के सामने है, इतना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनके आंख के सामने है कि वो लोग डेट लेने पे मजबूर हो गए, नहीं तो नॉर्मली कंपनी के मैनेजमेंट डेट नहीं लेना चाहते। थर्ड ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि इनका कुछ प्रोडक्ट्स है जिसपे ये लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अदर अपॉर्चुनिटीज में काम है। दे आर वर्किंग ऑन 2 लिथियम बेस्ड मॉलिक्यूल, तो ये लोग 2 लिथियम बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहे हैं ऑन हेक्सा फ्लोराइड केमिस्ट्री। हेक्सा फ्लोराइड यानी जहां पर 6 फ्लोरीन एटम का जरूरत पड़े। One of the molecule in the collaboration with French company, the molecule is manufactured through organic route and is touted to replace lithium. यानी ऐसा product, ऐसा molecule ये लोग बना रहे हैं जो कि lithium को आगे चल के replace कर दे। तो अभी हम लोग lithium ion का बहुत बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं why lithium, why not fluorine? तो ये लोग इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि क्या लिथियम आयन बैटरी की जगह फ्लोरीन आयन बैटरी कुछ बन सकता है क्या, क्या फ्लोरीन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में कुछ हो सकता है क्या, उस पे ऑलरेडी ये लोग काम करना चालू कर दिया। फोर्थ ग्रोथ ट्रिगर क्या है, लॉन्ग टर्म टारगेट है 100 मिलियन रेवेन्यू क्रैम से ये लोग करना चाहते हैं, डी बॉटलनेकिंग करना चाह रहे हैं, उससे सीजीएमपी यूनिट 4 आ जाएगा, वहां 500 करोड़ का केपेक्स करेंगे। फिफ्थ ग्रोथ ट्रिगर क्या है, दे आर वर्किंग ऑन एचपीपी इंटरमीडिएट्स एंड एचपीपी हैज वाटर एप्लीकेशन। तो एचपीपी जो प्रोडक्ट ये लोग इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं उसका वाटर में एप्लीकेशन है, तो वहां पर एग्रोकेमिकल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और एक नवी ये लोग फ्लोरोपॉलीमर स्पेस में इनको एंट्री मिल सकता है। तो ये प्रोडक्ट अगर डेवलप हो जाएगा तो आगे ये लोग फ्लोरोपॉलीमर्स में इंटर कर पाएंगे, अभी फ्लोरोपॉलीमर्स में SRF है, ये लोग फ्लोरोपॉलीमर्स में नहीं है, बट ये लोग आगे चल के फ्लोरोपॉलीमर्स में भी इंटर करना चाहते हैं। रिस्क क्या हो सकता है, जो इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या पॉसिबल रिस्क है, कि डिले हो सकता है ये 5 एग्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट है उसके लॉन्च में अगर डिले हो गया तो ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30% का कैगर से ग्रोथ आएगा वैसा नहीं आएगा। अगर मान लो फार्मास्यूटिकल में या एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ स्लो डाउन आ गया तो वहां पर भी ग्रोथ नहीं आएगा, ये भी एक रिस्क है। अब देखते हैं वैल्यूएशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बट इससे पहले कि हम लोग वैल्यूएशन डिस्कस करें मैं बता दूं ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो भी वैल्यूएशन हम लोगों ने किया है इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, कि किस तरह से किसी भी कंपनी को वैल्यू किया जाता है। हो सकता है इसमें टारगेट प्राइस पूछा है, बट इसको आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। आप कोई भी शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। यहाँ पर वीडियो बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे, ताकि आप एक डेफिनेट ओपिनियन पे आ सके कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। और वैल्यूएशन बताने के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक आइडिया रहे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आप किस प्राइस में इसमें एंटर करना मोर और लेस ठीक रहेगा, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो किस हद तक शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, और अगर कंपनी अच्छा करती है तो क्या ऊपर में टारगेट। दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस वैल्यूएशन, पर यहाँ कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं। तो चलिए देखते हैं, करेंटली इनका जो रेवेन्यू है 1453 करोड़ का, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला तो 24% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है, और कंपनी 26% के आसपास का इबिटा मार्जिन भी कर सकती है, 26% का इबिटा मार्जिन कंपनी का हो सकता है। और अगर इसको 49.5 का मल्टीपल्स मिले, फिलहाल तो इनको 58-59 का मल्टीपल्स मिला हुआ है, आई एम गिविंग अ मल्टीपल ऑफ 49.5, तो इसका टारगेट 4650 रुपया आ सकता है, और ये अभी 4542 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 100 से 120 रुपया का अपसाइड पॉसिबल है इसमें, तो बहुत ज्यादा अपसाइड अभी पॉसिबल नहीं है। तो मोर और लेस द ग्रोथ इज ऑलरेडी इन द प्राइस, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले तो इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस, तो बहुत ज्यादा अपसाइड अभी फिलहाल यहां से नहीं दिख रहा। फेयर वैल्यू का बात करें तो 21% का टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है विद मार्जिन ऑफ 25%, एंड अगर मल्टीपल 43 का दिया जाए तो ये नीचे 3800 तक नीचे जो आ सकता है, जहां पर इसका एक फेयर वैल्यू होता है। तो दिस इज द प्राइस जहां से अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे यहां से थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करके रख सकते हैं,
फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। और अगर कुछ स्लो डाउन आ गया फार्मास्यूटिकल में या एग्रो में या स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में, तो 18% का टॉप लाइन ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग विद 23% EBITDA मार्जिन, और 39 का मल्टीपल अगर मैं देता हूं तो ये नीचे गिर के 3100 रुपया 3000 रुपया तक नीचे गिर के आ सकता है। तो इसमें अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया और एकदम स्लो डाउन में चला गया इकोनॉमी, तो ये गिर के 3000 रुपया तक नीचे आ सकता है। फिलहाल जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ऐसा चांसेस बहुत कम दिखता है, बट यू नेवर नो। जितना मार्केट अभी वोलेटाइल है और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जितना इनसिक्योरिटी है, वॉर का जितना ज्यादा खतरा चारों तरफ फैला हुआ है, यू नेवर नो कि मार्केट में कब क्या करेक्शन आ जाए। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ खराब होता है तो इस प्राइस तक नीचे जा सकता है। तो क्या होगा, फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर गिर भी जाएगा तो यू नो कि कहां तक नीचे जा सकता है, तो पैनिक का सिचुएशन नहीं आएगा। नहीं तो नॉर्मल हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जहां स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं बस वहीं से स्टॉक बढ़ना चालू होना चाहिए, वो गिर ही नहीं सकता। ये मेंटेलिटी हम लोग को पैनिक करने पर मजबूर करता है। जैसे ही 5-10% का करेक्शन आता है, हम पैनिक हो जाते हैं। तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो क्या है कि हम लोग किसी के टिप्स के भरोसे पे काम करते हैं और हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाते, अपना स्टडी नहीं करते, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते। इस तरह के वीडियोस जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि यार इतना बड़ा वीडियो है, किसके पास टाइम है देखने का, आप तो फटाफट बता दो कि क्या लेना है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आता है, अरे इतना बड़ा वीडियो देखने का टाइम किसके पास है, आप तो बता दो लेना है कि नहीं। तो अगर मैं आपको बता भी दूं ना कि लेना है कि नहीं लेना है, तो भी क्या होगा, अगर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो आप मुझे गाली दो कि तुम्हें गलत बता दो। हो सकता है फिर 1 साल बाद वो स्टॉक प्राइस डबल ट्रिपल हो जाए, बट आप पैनिक करके बेच दोगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन नहीं होगा उस स्टॉक में, क्योंकि आपने मेरे बोलने को लिया। इसलिए हम लोग यहाँ पर कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं किसी स्टॉक का। मैं चाहता हूं ये कि आप खुद नॉलेज लें, खुद कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में समझे, अपना सेल्फ कन्विक्शन डेवलप करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे बोलने पर या किसी के बोलने पर आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, फायदा होगा तो आपको होगा, नुकसान भी आप ही का होगा। तो क्यों आप किसी के भरोसे रहना चाहते हैं अपने पैसों को अपने एंड से? और अगर आप मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने का या रिसर्च करने का, तो फिर आप प्रोफेशनल जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज है ना, जहां प्रोफेशनल्स लोग आपके पैसे को हैंडल करें, आप उनके जरिए काम करिए। किसी के बेसलेस टिप में आके काम मत करिए। आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए पैसे, आप एडवाइजरी में जाके सब्सक्रिप्शन कर लीजिए जहां प्रोफेशनल एडवाइजर्स आपको एडवाइस दे सके। आप PMS में अपना पैसा लगाइए, वो वहां पर पूरे प्रोफेशनल्स लोग हैं जो नॉलेज है, जिनको मार्केट का एक्सपर्टाइज है, वो लोग आपके पैसे को मैनेज करें। बट इस तरह से बेसलेस टिप्स में या यूट्यूब में 5-7 मिनट का वीडियो देख के बिना कोई कन्विक्शन के आप पैसा लगा देंगे और फिर बाद में थोड़ा सा गिरते या पैनिक करके बेच देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, मार्केट में प्रॉफिट कभी नहीं होगा। तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इस तरह के वीडियोस देखिए, मेरे ही चैनल का देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी होंगे यूट्यूब में जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता होगा। आप वैसे चैनल्स के वीडियोस देखिए, वहां पर भी आपको नॉलेज मिलेगा, हमारे वीडियोस भी देखिए, तब क्या होगा, आप पैसा कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप इस तरह के वीडियोस को लाइक करते हैं। हमारे साथ कमेंट में डिस्कशन चाहिए करिए कि आपको क्या और देखना है, आप क्या चाहते हैं और क्या पॉइंट्स हम इसमें ऐड करें। कुछ अगर हमसे मिस हो गया तो आप लिख के बता दीजिए कमेंट में, ताकि और जो हमारे दर्शक हैं उनको आपके नॉलेज से बेनिफिट मिल जाए। तो बस इस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके हम काम करेंगे ना, तो हम लोग सब एक दूसरे का हेल्प कर पाएंगे और मार्केट में धोखा नहीं खाएंगे एटलीस्ट। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम आगे और भी अच्छी अच्छी कंपनीज पे इसी तरह का डीप टाइप वीडियोज लाएंगे। तो आप नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए और ऑल ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो कोई भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कंपनी के साथ, किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।